गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज अभी बज रहा है 11:30 और हाँ हम लोग जा रहे हैं बाहर। बाहर मीन्स कुछ चीज़ लेनी है घर के लिए, तो उसी के लिए जा रहा है। और यहाँ पर ना मतलब ब्रेकफास्ट तो मैंने आज बनाया नहीं था, कल के बड़े बचे थे उसके लिए मैंने सांभर बना लिया था। तो यहाँ पर सांभर है तो सांभर बना लिया था और उसके साथ ही हमने बड़े खाए, क्योंकि कल की चटनी तो पूरी बिगड़ गई थी तो इसी वजह से चटनी तो वो वैसे ही पड़ी है। बट आज सांभर बना लिया था, सांभर के साथ अच्छे लग रहे थे। तो अब ना थोड़ी देर के बाद हम लोग निकलने वाले हैं, कुछ चीज़ लेनी है और आप लोग बने रहिए, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या चीज़ लेने वाले हैं। देखो माही की चोटी बांध दी है, अच्छा लग रही है। तो चलो इसको चोटी बांध के चाहिए थी आज। अब ऐसे खुले छोड़ती है ये, बट अभी इसके कट करवाने पड़ेंगे बाल भी। आपके कट करवाने जाएंगे एक दिन बाल, याद दिलाना मुझे। थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है। आज तो कपड़े वगैरह ये वो बेडशीट चेंज की मैंने और कपड़े धोए, यहाँ पर कुर्ती ऐसी पड़ी है। ये वाली पहनने वाली थी तो ये बोल रहे कि यही अच्छी लग रही है, इसी वजह से फिर यही पहन ली। बेडशीट चेंज की, ये वाली बेडशीट कैसी लग रही है ज़रूर बताना मुझे। ऐसे प्लेन की थी, अद्विक ने पूरा गंदा कर दिया और बेडशीट चेंज की और उसके बाद कपड़े धोए, कपड़े सुखाने के लिए डाले, काफ़ी सारे काम हुए आज और शूट ही नहीं कर पाए। तो थक तो बहुत ज़्यादा गई हूँ, फिर भी जाना पड़ेगा। तो चलिए जाते हैं और जाके आ जाते हैं जल्दी से। थोड़ा सा ये गाड़ी को क्लीन कर रहा है, गाड़ी का काम चल रहा है, तो तब तक थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, रेस्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पर कुर्ती ऐसी डाल दी थी, तो कल भी यही कुर्ती पहनी थी मैंने और आज दूसरी पहनने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो ये वाली निकाल के रखी है मैंने, देखो यहाँ पे। बट कपड़े भी काफ़ी सारे फोल्ड करने के बाकी है, तो वो मैं उधर से आने के बाद करूँगी। रोटी एक्चुअली बना के रखी है मैंने, उधर से आने के बाद सब्जी भी बनानी है और वो कपड़े भी फोल्ड करने हैं। तो यहाँ पर ये कुर्ती मैं अभी फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि ये बोल रहे थे कि ये मत पहनो, यही अच्छी लग रही है, तो इसी वजह से मैंने ये दोबारा पहन लिया आज। निकल चुके हैं और आप लोगों को कितनी है ये सब बताना मुझे, बहुत ज़्यादा यार इतने जल्दी, इतने गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। मतलब इस बार तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी, और क्या बोलते हैं तो बारिश भी बहुत थी। चलिए जल्दी से निकलते हैं। सावली आल्यानंतर बंद होते आणि ऊन आल्यानंतर फिरते, सावली होते नाही बंद झाल्यानंतर सावली होते। तो गाइज यहाँ पर पहुँच गए थे हम मॉल में और आप गेस करिए कि हम लोग क्या लेने आए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग लेने आए हैं एसी, तो यहाँ पर देख रहे थे एसी कौन कौन सा अच्छा है, मतलब वो लोग बता रहे थे हमें, वो यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहे थे एसी के बारे में, कौन कौन सी अच्छी होती है और कौन सी कंपनी ज़्यादा चल रही है और प्राइस के अकॉर्डिंग कौन सी एसी में अच्छे फीचर्स है, ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे।
कुछ ऐसी तो ऐसी थी कि उसमें कुछ भी फीचर्स नहीं थे, बस प्राइस इसकी उसकी इतनी ज़्यादा हाई थी कि आपको क्या बताओ, बजट के बाहर जा रही थी। तो ऐसी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, मतलब सारी चीज़ें वो बता रहे थे, तो हमने डिसाइड तो पहले ही कर लिया था कि कौन सी हमें लेनी है, क्योंकि मेरा होता है ना कि एक ही चीज़ पे माइंड सेट हो जाता है ना, तो वही मुझे चाहिए होता है। तो फिर वो मैं नहीं देखती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मतलब दूसरी सस्ती है या दूसरी महंगी है, वो नहीं देखती हूँ मैं। मुझे जो चाहिए होता है कि वही चाहिए होता है। तो मैं डिसाइड करके गई थी पहले से ही कि मुझे कौन सी ऐसी, मतलब कौन सी ब्रांड की लेनी है। बट बाकी के थोड़े से कम प्राइस में भी मिल रहे थे लॉयड के वगैरह, बट मैंने सोचा नहीं अभी ये लेनी है, तो एक बार कोई चीज़ होती है तो एक ही बार होती है, हम लोग बार 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 चेंज थोड़ी ना करते, हर साल थोड़ी ना ऐसे चेंज करेंगे। तो इस वजह से मैंने इनको बोला कि नहीं, हमने जो डिसाइड करके रखा है वही लेना है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया था। फिर हम लोग ना, हम लोगों को एक्चुअली कूलर भी लेना था हॉल के लिए। एक्चुअली हमने क्या किया था कि जब वो हुआ था हमारा, जब घर बना था, तो उस टाइम इतना बजट नहीं था, तो उस टाइम हमने क्या किया था कि दोनों बेडरूम के लिए और हॉल के लिए, लिविंग रूम के लिए कूलर ही लेके आए थे। तो वो जो डेजर्ट होते हैं वो लेके आए थे, तो डेजर्ट अच्छे ही थे। तो इसी वजह से हम लोगों ने ना ज़्यादा फिर एसी में, दूसरे साल फिर हम लोगों ने एसी में इन्वेस्ट नहीं किया। हमने सोचा चलो चल रहे हैं तो चलने दो, जितना दिन चलेंगे उतना दिन चलाएंगे, और फिर उसके बाद जब ख़राब हो जाएंगे तब ले लेंगे इसे। बट अभी इस साल ना थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम हो रहा था, पिछले साल ही थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहे थे वो, तो इस साल हमें लगा कि ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो इसी वजह से हम लोगों ने सोच ही लिया कि लेके आते हैं इसी। तो यहाँ पर कूलर भी देख रहे थे लिविंग रूम के लिए। एक्चुअली लिविंग रूम का कूलर भी थोड़ा सा ख़राबी हो गया, बट बहुत बड़ा है कूलर वो, और अच्छे से एक्चुअली कूलिंग तो करता है, बट ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब उसके जो पत्रे हैं वो निकल रहे हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा कि चलो कूलर भी ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर कूलर देख रहे थे, बट फाइबर का कूलर में ना दम नहीं होता है यार, ये वाले कूलर थोड़े से अच्छे से कूलिंग नहीं करते हैं। तो जब वहाँ पर देखा हमने, तो हमने सोचा चलो जाने दो, इस साल उसी से काम चला लेते हैं। फिर ना जब हमारा हो जाएगा, मतलब वो कूलर बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, तो अगले साल ले लेंगे। तो इसी वजह से हम लोगों ना आज ही लेके जाने वाले थे, दोनों चीज़ें घर से डिसाइड करके आए थे कि कूलर भी आज ही लेंगे। और ना सिम्फोनी का कूलर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो और कूलिंग भी अच्छे से करता है। बट यहाँ पर हमें नहीं लग रहा था, फालतू में ऐसा लग रहा था कि ये फाइबर के कूलर लेंगे और अंदर जगह उसकी चली जाएगी, मतलब जगह उतनी घेर लेगा वो, इसी वजह से हमने नहीं लिया। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं घर पे, और हाँ इतना ज़्यादा, मतलब हमें पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा यार, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये तो आते ही ड्यूटी भाग गए, इतना ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि हम लोग सुबह गए थे, अभी आए हैं, अभी बज रहे हैं 5:30, और 5:30 बजे हम लोग आए हैं। इतना ज़्यादा कौन टाइम लगा था यार, कौन सी क्या, हाँ नहीं लेके आओ उसे, अरे अरे बाप रे, इतना परेशान हो गए हम लोग, खा पी के भी नहीं गए थे हम लोग, माही को छुट्टी थी आज, इसी वजह से हम लोगों ने सोचा चलो आज जाके आते हैं, और खाना भी नहीं खा के गए थे। मैंने आपको बोला था कि उधर से आने के बाद मैं सब्जी बनाऊंगी, बट इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, मेरे तो सिर दर्द होने लगा था, पहले से मेरा सिर दर्द हो रहा था। फॉर्म लिखो, ये प्रोसीजर करो, ऐसे करो वैसे करो, उसमें इतना ज़्यादा टाइम निकल गया, और इतना स्लो स्लो काम कर रहे थे, पता नहीं क्या शोरूम इतना बड़ा खोल के रखा है और इतना स्लो काम कर रहे थे। बच्चों को भी भूख लग गई थी, मुझे भी भूख लगी थी, फिर हम लोगों ने एक जगह पे गाड़ी रोकी, वहां पर थोड़ा सा खाया। आदमी को क्या हो गया, नाटक चल रहा उसके, अरे बाप ले, ये कहा जाल मैं सोनाला, कहा जाल पिल्लूला, कहा जाल, क्या हो गया पिल्लू को, चला जेवन करेला दीदी, मैं तुला नहीं जेवन करेला नहीं, नाटक हो गया। तो हाँ मैंने क्या लाया तो वो तो दिखाना भूल ही गया मैं आपको, और फ्रेश भी नहीं हुई हूँ मैं, मैंने सोचा चलो पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और यहाँ पर है ये वाला एसी, हम लोगों ने लाया है एसी, खोल के नहीं दिखाते, खोल के नहीं दिखाते, जब इंस्टॉल करेंगे तब खोल के दिखाएंगे। तो ये ब्लू स्टार का एसी लाया है, 5 स्टार, 1 मिनट, अरे 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 नहीं ना, रुको रुको 1 मिनट, ये 110 का एसी है। एक्चुअली बेडरूम के लिए एसी चाहिए था, तो इसी वजह से, और इस साल आप लोगों को पता ही है, इस साल मतलब जो महाराष्ट्र से है उनको तो पता होगा, महाराष्ट्र से क्या कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ठंड, इस साल बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई, तो हमने सोचा गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसी वजह से हम लोगों ने, अरे ये क्या है, ये क्या है?
क्या है, ऐसे नहीं करते थे। तो नहीं नहीं ते दाखवायला नसते, ते कशाला दाखवत। एक मिनिट अद्विक मला बोलू दे ना, पिल्लू 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 मला बोलू दे प्लीज। तर एक मिनट मुझे बोलने दो, ये ऐसे ही करता है हमेशा। अद्विक मुझे बात करने दो बेटा, मैं ही इसको लेके जाओ दो मिनट के लिए। तो हमने सोचा कि इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो और हाँ मेरे जो कूलर थे वो भी ख़राब हो गए हैं इस साल। मतलब हम लोगों ने इस घर में आए थे तभी एसी फिट नहीं किया था, हम लोगों ने कूलर ही लिए थे, तो इसी वजह से क्या हुआ कि वो जो कूलर है अभी तक चल रहे थे। तो हमने सोचा चलो काम चल रहा है इससे तो चलने दो, और इसी वजह से एसी वगैरह लिया नहीं था। और काम मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी इतना ज़्यादा, यहाँ पर ना ये नहीं होता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बट इस साल पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई और ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी, तो गर्मी से सड़ना नहीं था इसी वजह से अभी इसी ले लिया। हाँ और क्या, मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है यार, मतलब गर्मी सहन नहीं होती है। गर्मी सहन नहीं होती है मुझे, तो इसी वजह से ना ले ली इस बार एसी। और चलो कल इंस्टॉल होगी वो, आज तो वो लोग आएंगे नहीं क्योंकि इतना लेट हो गया है आज, और इंस्टॉल करने के लिए नहीं आएंगे आज, कल आएंगे बोल रहे थे। तो कल इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद आप देख लेना कहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और कैसे दिखेगी। तो बट बहुत सारे सर्च किया, मतलब बहुत सारे वो देखे ब्रांड वगैरह, बट मुझे ना घर से ही ऐसा लग रहा था कि मैं ब्लू स्टार की ही लूँ, क्योंकि ब्लू स्टार की सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब यहाँ पर अच्छी है सर्विस उसकी, तो इसी वजह से मैं तो सोच के ही गई थी ब्लू स्टार के लेना है। बट वहाँ पर भी उन्होंने बताया कि ब्लू स्टार अच्छा है करके, बट लॉयड का भी था अच्छा है बोल रहे थे, बट हम मुझे लगा कि ब्लू स्टार का ही ले लेते हैं, तो ले ली फाइनली। चलो अच्छा हो गया, अभी इस साल थोड़ा सा राहत मिल जाएगी गर्मी में। तो चलिए फिर कुछ ना कुछ करते हैं, खाया भी नहीं खाया है हमने, बच्चों को खिला देती हूँ और उसके बाद अच्छे अद्विक को खिला देती हूँ। अभी हम लोगों ने तो थोड़ा सा बाहर खा लिया था, तो अद्विक ने वहाँ पर अद्विक नाटक कर रहा था, तो इसी वजह से अद्विक ने नहीं खाया। तो हाँ अद्विक तो नाटक ही करता है हमेशा, मतलब उसको लगता है कि हम आराम से खाए ये वो, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, इनको भी ड्यूटी जाना था, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी किया वहाँ पर, जल्दी जल्दी खाया और चले आया, क्योंकि अभी डिनर बनाने के लिए टाइम था, तो अभी कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए था। हाँ खे तो डिनर बनाने के लिए टाइम था, इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ खा के आ जाते हैं, फिर आके सब्जी बनानी पड़ेगी, फिर खाना पड़ेगा। तो रोटियां तो बना के गई थी मैं, तो अभी मुझे डिनर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ी देर के बाद। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए थे, मतलब जो शाम के होते हैं वो सारे काम हो गए थे, दिया बत्ती वगैरह ये वो सारी चीज़ें हो गई थी। तो उसके बाद ना मैं आ गई थी बेडरूम में, और आप देख सकते हो कितने सारा डब्बा है कपड़ों का। और ना जब से तबीयत ख़राब हो गई थी तब से मेरा मन ही नहीं कर रहा था किस चीज़ों में, धो तो रही थी, धोने में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा था क्योंकि मशीन में ही धोना पड़ रहा था, निकाल के भी ला रही थी, बट जो फोल्ड करना होता है ना उसको जान पे आ रहा था, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसी वजह से मैं क्या कर रही थी, आयरन टेबल पे ला के रख दे रही थी जो भी कपड़े मैंने धो के रखे थे, तो या तो माँ ही लेके आ रही थी या मैं, ऐसा करके हम लोग ला के वो टेबल पर रख दे रहे थे। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी फोल्ड करने की, तो आज मैंने सोचा चलो कितने दिन ऐसे ही गलाठा पड़ा रहेगा, अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो रही है, मतलब आजकल थोड़ा सा ठीक लग रहा है और ठीक हो भी जाएगी, क्योंकि अभी मैं दिमाग से पूरा निकाल देती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है मेरा, मैं दिमाग में वही मैंने बिठा दिया है कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसी वजह से और भी ज़्यादा हो रहा है लगता है। और अभी इसके बाद डाइट भी अच्छे से लूँगी तो अच्छे से मतलब रिकवर हो जाएगा, क्योंकि ना क्या हो रहा था कि तबीयत ख़राब रह रही थी, मैं कुछ भी खा ले रही थी, जो भी आया वो खा ले रही थी। तो अभी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है मुझे, तो अभी डाइट भी स्टार्ट करूँगी, मतलब प्रोटीन वोटीन की चीज़ें ज़्यादा लेना स्टार्ट करूँगी, और उससे थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा मुझे लग रहा है ऐसे, तो अभी मैं वही करना स्टार्ट कर दूँगी। मैं थोड़ी फ्रेश हो गई हूँ, और हाँ यहाँ पर मैंने बनाई है अंडा भुर्जी, जो कि जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की है। अभी मैंने सुबह रोटियां बनाई थी, एक्चुअली अभी रोटियां तो बनानी नहीं थी, इसी वजह से अभी अंडा भुर्जी बनाई है और डिनर कर लेंगे। आज ना बहुत थकावट ऐसे लग रही है कि बहुत थक गई हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर काम तो ज़्यादा नहीं किया घर पर, मतलब इतना काम नहीं हुआ, बट ना अभी मैंने फोल्ड बहुत सारे कपड़े किए हैं थोड़ी देर पहले, क्योंकि जब से तबीयत ख़राब थी तब से मेरे कपड़े वैसे ही पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो आज कर ही लेती हूँ क्लीन, और अपने वार्डरोब में सारे मतलब अद्विक के, माही के, मेरे वैसे ही पड़े थे कपड़े,
वहाँ पे, इनके तो नहीं रहता है, ये वहाँ पर रखते ही नहीं है कपड़े, बट हम सबके ही रहते हैं। तो ये जैसे ही कपड़े धो के मैं लाती हूँ तो ये प्रेस करने के लिए डाल देते हैं, आयरनिंग के लिए बाहर डालते हैं ये कपड़े। तो इस वजह से इनके कपड़े हमारे बीच में रहते ही नहीं है, बट हमारे ही रहते हैं उसमें। तो इसी वजह से ना वो सारे कपड़े फोल्ड किए अपनी अपनी जगह पर रखे, और अभी फ्रेश हुई हूँ थोड़ा सा खाना बनाने के बाद, मतलब खाना मैंने वही बनाया। तो उसके बाद अंडा भुर्जी बनाने के बाद थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मुझे कि फ्रेश हो जाओ, फ्रेश हुई हूँ तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, बता भी देती हूँ आपको। और थोड़ा सा वहाँ पर खड़ा रह के मुझे ना बहुत जान पे आ रहा है और थकावट लग रही है कि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अच्छे से नए ब्लॉग में। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बड़ा सा ब्लॉग नहीं है, छोटा सा ब्लॉग है, छोटा सा ब्लॉग है ना। इसको सुनाई दिया ना उधर, चाकू किसका केक कट करना है? मेरा। आपका तो हमेशा ही बर्थडे रहता है। मम्मा, आज मेरा बर्थडे था। हाँ, आज इसका बर्थडे था। दीदी का बर्थडे है। दीदी का बर्थडे अब दीदी ये केक काटेंगी। केक काटेंगी? हाँ। अच्छा तो चले फिर, मैं क्या बोल रही थी? दीदी को विश करता है। दीदी को विश करता? हाँ, थैंक यू। तो चले फिर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, छोटा ब्लॉग हाँ, तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। मैं डेली बताती हूँ यार, आप लोग फॉलो नहीं करते हो वहाँ पे। कूलर नहीं लाया हमने, मैंने बता दिया सबको। एसी लाई है, एसी लाई है कि एसी शीशी। मूर्खा इसका, तू मूर्खा नहीं। चलो चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय बाय, लव यू ऑल। तीन कहाँ गया? 18 16 तो चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय बाय। अद्विक अद्विक बाय करो, लाइक करने के लिए बोलो, लाइक करने के लिए बोलो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सरप्राइज नहीं, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो, आप समझ गए ना, सब्सक्राइब कर देना फिर। चलो बाय।